हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो अभी के टाइम पे शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है 125 रुपये का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आज कंपनी Q1 क्वार्टर का रिजल्ट भी पब्लिश करने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें, एक साल में ये भी बैंक 50% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिटर्न दिया है कंपेयर टू अदर बैंक। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बेसिकली इनका जो क्वार्टर है, एक तरह से कह सकते हैं मुंबई के अंदर है और काफ़ी पुरानी बैंक है। बेसिकली 1906 में इस्टेब्लिश हुई है बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे बैंक बेसिकली एक साल में तो 50% का रिटर्न, लेकिन 5 ईयर्स में 80% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। मैक्सिमम जो यहाँ पे रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिल रहा है 458% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी मतलब जो इनके पुराने हाई 532 रुपये का जो प्राइस देखने को मिल रहा है यहाँ पे लंबे, अगर हम ये देखें तो 550 रुपये तक स्टॉक ऑलरेडी टच किया हुआ है। तो यहाँ पे उस लेवल तक पहुँचने की चांसेस है या नहीं, यहाँ पे Q1 क्वार्टर में कंपनी क्या आपको दे सकती है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, कहीं पर जाइएगा बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे स्टॉक का जो पी है वो आपको 8.79 रुपया का देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 57,473 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और 155 रुपया इसकी बुक वैल्यू है। तो दोस्तों 155 रुपये के बुक वैल्यू से अभी भी स्टॉक काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ इसका जो डिविडेंड देखें तो 2.22% का यहाँ पे बैंक डिविडेंड भी देती है, 14.40 रुपया का EPS जनरेट करती है। तो ये बैंक का जो EPS है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया का तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है रिजर्व्स इनके पास 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा, जिनकी इनकी मार्केट कैप इतनी नहीं है जितनी इनके पास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। इनके पास डेब्ट भी बहुत ज़्यादा है, 8,21,572 करोड़ का डेब्ट है। डेब्ट इक्विटी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, 11.60 टाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक तरह से डेब्ट इक्विटी बहुत ज़्यादा है, 11 टाइम्स अगर आप देख सकते हैं तो 11 का है और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1 से कम है। यहाँ पे कंपनी के ग्राम नंबर प्राइस जो दिया गया है 224 रुपया दिया गया, इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस होनी चाहिए 224 रुपया होनी चाहिए, लेकिन इससे भी कम प्राइस पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। FIS की पास होल्डिंग देखें तो 3.61% का और DIS की पास जो होल्डिंग देखें तो 15.5% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास भी यहाँ पे अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे Q1 क्वार्टर की रिजर्व्स अगर हम बात करें दोस्तों तो इससे पहले हमें नज़र डालनी होगी इनके Q4 क्वार्टर की और अदर क्वार्टर की रिजर्व्स पे। तो 1413 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है देखने को मिला था 2023 के अंदर 1413 करोड़ और इस बार मार्च क्वार्टर में 1574 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू यहाँ पे अगर आप देखें पिछले साल की 2023 की तो यहाँ पे 13,548 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे कंपनी 2024 में 16,250 करोड़ करती हुई नजर आई और इसके साथ साथ -7% का जो मार्जिन था वो 0% -0% पे आ गई, यानी मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत देखने को मिला दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर में, तो क्या यहाँ पे जून क्वार्टर में तो और इनके जो मार्जिन है वो पॉजिटिव में देखने को मिलता है। तो होपफुली यहाँ पे अगर पॉजिटिव में रहता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है करीब करीब इसी के इर्द गिर्द आता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 1600 करोड़ के करीब करीब आपको देखने को मिल सकता है, 1600 करोड़ की करीब करीब देखने को मिल सकता है इसका नेट प्रॉफिट। आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिट आ सकता है और यहाँ पे कंपनी डाउन साइड जाएगी अपसाइड जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यहाँ पे आपकी क्या राय है ये मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे आप नए हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा, आप एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं हमारे तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी होपफुली सब्सक्राइब कर रखे होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये सब सारी चीज़ें आप तो करते ही हैं साथ में,
दोस्तों यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट्स डेट आज के डेट में है, तो यहाँ पे आज के डेट में यहाँ पे इस स्टॉक को अपने रडार में रखना है जरूर, अगर आपके पास एक भी शेयर है तो। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं जून क्वार्टर के अंदर। जून क्वार्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FIIs भी बेच रहे हैं और DIIs भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो तीन क्वार्टर से स्टेबल है, और यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पे थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इनकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो उतना अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक ठाक। CWIP में भी वर्क कंपनी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बैंक की इक्विटी कैपिटल 4,553 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। खास करके अगर हम कोविड टाइम पे अगर आप देखें तो कोविड टाइम पे कंपनी का जो प्रॉफिट था रेवेन्यू था 41,000 करोड़, 42,000 करोड़ और 40,000 करोड़। उसके बाद अगर आप बात करें मार्च 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो कम हो गया 38,281 करोड़ हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में इसकी गिरावट देखने को मिला 2022 में। और उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट रहा 3,487 करोड़ -5% की मार्जिन के साथ, तो यहाँ पे -5% मार्जिन यानी मतलब यहाँ से मार्जिन कुछ भी बचा नहीं इसको, जो भी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट की कहाँ से अदर इनकम 8,092 करोड़ का कंपनी ने अदर इनकम से प्रॉफिट की, और उससे यहाँ पे एक तरह से कंपनी टैक्सेस भी पे की, और उसके बाद यहाँ पे 3,487 करोड़ अपना बचत भी की। लेकिन अगर हम बात करें 2023 में तो कंपनी 47,932 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया और -1% की मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला पिछले साल से इस साल में 2023 में। तो यहाँ पे कंपनी ने फिर से वापस 3,839 करोड़ का प्रॉफिट किए और अदर इनकम यहाँ पे 7,168 करोड़ भी होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों इसके बाद आते हैं यहाँ पे मार्च 2024 में 61,073 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू की और मार्जिन आ गया +7%, यहाँ पे 7% पॉजिटिव में आ गया और कंपनी का प्रॉफिट बहुत तगड़ा ग्रोथ किया 6,567 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट कहें कि अपना प्रॉफिट यहाँ पे करीब करीब डबल ही कर ली कंपनी ने। तो यहाँ पे ये था बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट दोस्तों, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ पे Q1 क्वार्टर के अबाउट जो मैंने बोला है कि आप अपनी राय जरूर रखें तो यहाँ पे राय जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।